तो हेलो गाइस, वेलकम और स्वागत है आपका मैं सस्ते से यूट्यूब चैनल की एक ब्रांड सी वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी होने वाली है, बिकॉज आज की जो वीडियो है वो हैकर के ऊपर होने वाली है। लाइक हैकर हैक बनाते क्यों हैं और पबजी मोबाइल लाइट वाले सब कुछ जानते हुए भी हैकर को बैन क्यों नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे और भी क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ और हर एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली पबजी मोबाइल लाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यू वीडियोस लाता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, जिससे कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आप ज़्यादा बात कहते ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाचा इंट्रो लगाओ। तो कैसे हैं आप लोग? गाइस, हर कोई बंदा कॉन्करर जाना चाहता है, और आपको तो पता ही है आज के टाइम में पबजी मोबाइल लाइट में कितने ज़्यादा हैकर्स आ चुके हैं, जिनकी वजह से हम कॉन्करर जाने का जो हमारा सपना है वो सपना का सपना ही रह जाता है। गाइस, आप लोगों को तो पता होगा कि पबजी मोबाइल लाइट में अभी न्यू सीजन चल रहा है जो कि है सीजन 8, और सीजन 8 2 अक्टूबर को आया था, और आज के दिन यानी कि आज एक हफ्ता हो गया सीजन 8 को आए हुए, और आप लोग भी रैंक पुश कर रहे हो सीजन 8 के कॉन्करर के लिए, और कुछ यूट्यूबर ने कॉन्करर पुश कर भी लिया है, बट वो अभी तक एशिया के टॉप 100 प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं आए, बिकॉज टॉप 100 प्लेयर की लिस्ट में सारे के सारे हैकर्स भरे पड़ रखे हैं जिनकी 100-200 की KD है। तो गाइस, आप ही लोग बताओ जो यूट्यूबर्स है वो कहाँ से एशिया के टॉप 100 प्लेयर की लिस्ट में आ जाएंगे। गाइस, मैं आप लोगों को लीडर बोर्ड में जाके दिखाता हूँ। गाइस, यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो जो नंबर 1 पे कॉन्करर का टैग लेके बैठा है वही हैकर है, बिकॉज आप इसके पॉइंट देख सकते हो कितने ज्यादा पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स देख के आप खुद पता लगा सकते हो ये हैकर है कि नहीं। आप लोग इसकी आईडी देख सकते हो, इसका नाम है डीजा, और इससे पहले एक और हैकर था जो कि पबजी मोबाइल लाइट का सबसे ही बड़ा हैकर था, आई थिंक सबसे ही बड़ा हैकर था, और उसकी आईडी बैन हो चुकी है, और उसका नाम था B4Bad। नाम तो आप लोगों ने ज़रूर ही सुना होगा, क्योंकि वो सीजन 1 से ही पबजी मोबाइल लाइट का नंबर 1 कॉन्करर प्लेयर होता चला आ रहा है। अब बात करते हैं इस वाले हैकर की जो कि लीडर बोर्ड पर नंबर 1 पर चिपका हुआ। आप लोग इसके पॉइंट देख सकते हो, 10,000 से ऊपर पॉइंट हैं इसके, और इतने पॉइंट्स करना कोई भाई मतलब क्या बताऊँ आप लोगों, कोई हलवा थोड़ी ना भाई इतने पॉइंट्स करना, इतने पॉइंट तो बस हैकर्स ही कर सकते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को ये लीडर बोर्ड दिखाने के लिए नहीं आया हूँ कि भाई ये हैकर है कि वो हैकर नहीं है। गाइस, बल्कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उनके आंसर्स लेके आया हूँ जो आपके दिमाग में इन हैकर्स को देख के ज़रूर ही आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हैक बनाता कौन है? गाइस, आप लोगों ने लीडर बोर्ड में जितने भी हैकर्स देखे वो कोई भी हैक नहीं बनाते, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है कि ये हैक बना सके। अब ये लोग हैक नहीं बनाते तो आखिरकार हैक बनाता कौन है? तो गाइस, हैक को प्रोफेशनल हैकर बनाता है। हैकर हैक बनाने के बाद अपनी टीम को दे देता है, और उनकी टीम करती क्या है, वो इस चीज़ का जगह जगह प्रमोशन करती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अट्रैक्ट हों। अब बंदे अट्रैक्ट होंगे तो भाई सीधी सी बात है वो इस चीज़ को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। गाइस, यहाँ पे एक बात नोटिस करना, जो हैकर है वो सिर्फ और सिर्फ हैक की फाइल को बनाता है, और जो हैक का प्रमोशन का काम होता है वो उसके टीम के मेंबर मतलब हैकर की टीम के मेंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हैक का प्रमोशन होता कहाँ पे है? गाइस, ये क्वेश्चन सुन के आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि हैक का प्रमोशन यूट्यूब पे होता होगा और कहाँ पे होता होगा, तो गाइस ऐसा नहीं है। हैक का प्रमोशन यूट्यूब पे नहीं होता है, बिकॉज अगर कोई भी बंदा पबजी मोबाइल लाइट हैक से रिलेटेड कोई भी वीडियोस यूट्यूब पे डालता है तो यूट्यूब वाले करते क्या है, उसकी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं, और पबजी लाइट वाले भी इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट। अब बात आती है कि हैक बिकते कहाँ पे हैं और इनका प्रमोशन होता कहाँ पे है, तो ये हैक बिकते पबजी मोबाइल लाइट के ग्रुप में। अब पबजी मोबाइल लाइट का कोई भी ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, बल्कि पबजी मोबाइल लाइट, पबजी मोबाइल लाइट इंडिया, पबजी मोबाइल लाइट पाकिस्तान, ऐसे करके कई लोग ग्रुप बना लेते हैं जिनमें हैक्स का प्रमोशन ईजिली हो जाता है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर अट्रैक्ट भी होते हैं, और बहुत से लोग खरीदते भी हैं। गाइस, यहाँ पे आप लोग एक बात नोटिस करना कि पबजी मोबाइल लाइट वाले YouTube पे कोई भी PUBG Mobile Lite हैक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट या फिर कोई भी वीडियोस नहीं डालने देते। अगर कोई भी बंदा YouTube पे PUBG Mobile Lite हैक की वीडियो डालता है तो YouTube वाले करते हैं क्या है, उसकी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं, और PUBG Lite वाले उसकी वीडियो डिलीट करवा देते हैं। मतलब PUBG Lite वालों को YouTube पे ये दिखाना है कि हमारे PUBG Mobile Lite में कोई भी हैकर नहीं है। गाइस, आप लोग भी जानते हो कि PUBG Mobile Lite में कितने ज्यादा हैकर्स हैं और PUBG Mobile Lite वालों ने कितने ज्यादा हैकर्स पाल रखे। मैं तो भाई ये बोल रहा हूँ कि आप लीडर बोर्ड में जाओ और जो नंबर 1 पे जो कॉन्करर प्लेयर है भाई वही हैक करके बैठा है। मतलब पबजी लाइट वालों को यूट्यूब पे ये दिखाना कि भाई हमारे पबजी मोबाइल लाइट पे कोई भी हैकर नहीं है, और अंदर ही अंदर इन्होंने इतने ज़्यादा हैकर पाल रखे हैं भाई,
इसके बारे में भाई मैं क्या ही बोलूं। हम लोग कर भी कह सकते हैं, बस हैकर को रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी करना है करना तो पबजी लाइट वालों को ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि लोग हैक को खरीदते क्यों तो हैं। देखो गाइस, हैक को सिर्फ दो ही तरीके के लोग खरीदते हैं। नंबर एक पे वो लोग आते हैं जो कई सीजनों से मेहनत करते चले आ रहे हैं कि भाई कॉन्करर जाना है, हमें कॉन्करर जाना है, और उनका सपना भी होता है कि हम एक दिन कॉन्करर ज़रूर पहुँच जाएंगे, बट वो हैकर की वजह से कॉन्करर नहीं जा पाते हैं और एंड में हार मान के हैक को खरीद ही लेते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो नूब बंदे होते हैं या फिर जिन्हें ठीक से खेलना नहीं आता होगा। अब आप लोगों ने जितने भी हैकर्स देखे होंगे वो सारे के सारे नूब ही देखे होंगे, क्योंकि जो प्रो प्लेयर होते हैं वो कभी हैक नहीं करते हैं, जो नूब बंदे होते हैं वही हैक करते हैं। और वो नूब हैकर ये सोच के हैक खरीदते हैं कि भाई जब पबजी मोबाइल लैट में इतने ज़्यादा हैकर हैं तो एक दो बढ़ जाएगा तो कौन सी दिक्कत आ जाए, तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, प्लीज़ और प्लीज़ हैक को मत खरीदा करो। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जब पबजी मोबाइल लैट को पता है कि लीडर बोर्ड में सारे के सारे हैकर भरे पड़े रखे हैं तो पबजी मोबाइल लैट वाले उन्हें बैन क्यों नहीं करते हैं और ये हैकर हैक बनाते क्यों हैं। गाइस, पबजी मोबाइल लैट की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा छोटी है, बिकॉज पबजी मोबाइल लैट में जो अपडेट्स होते हैं या फिर जो ग्लिचेस ठीक होने को होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रो रो के होते हैं। तो गाइस, पबजी मोबाइल लैट के कम्युनिटी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एशिया के लीडर बोर्ड में जाके हर एक बंदे की आईडी चेक करे कि कौन बंदा हैकर है कि कौन बंदा हैकर नहीं है, किसकी आईडी बैन करनी चाहिए किसकी आईडी बैन नहीं करनी चाहिए। अब जो पबजी मोबाइल लैट की कम्युनिटी के पास टाइम होता है वो सारा का सारा टाइम इसी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं कि अब हमें कौन सी गन की स्किन देनी चाहिए, फिर कौन सा आउटफिट देना चाहिए। एक तरह से बोलो कि पबजी मोबाइल लैट वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी हैकर बैन हो या ना हो। एक तरह से पबजी मोबाइल लैट के प्लेयर्स बढ़ ही रहे हैं जिनमें पबजी मोबाइल लैट का ही फायदा है, तो भाई हैकर को बैन करके करना ही क्या है। गाइस, अब बात आती है कि हैकर हैक बनाता क्यों है। तो गाइस, हैकर हैक इसलिए बनाता है ताकि वो उसे बेच सके जिससे कि उसका और उसकी टीम का फायदा। गाइस, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो हैक का प्रमोशन होता है वो पबजी मोबाइल लैट के ग्रुप्स में होता है। अब बात आती है कि उस ग्रुप का एडमिन उस हैक को क्यों प्रमोट होने देता है और क्यों उस पोस्ट को डिलीट नहीं करता है। गाइस, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बंदा किसी भी ग्रुप में पोस्ट डालता है और उस पोस्ट से कई बंदे अट्रैक्ट होकर वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो गाइस यहाँ पे आप ही लोग बताओ, क्या ग्रुप का एडमिन हैक को प्रमोट नहीं होने देगा? होने देगा, बिकॉज उस ग्रुप के एडमिन को डेली पोस्ट मिल रही है और उस पोस्ट से कई बंदे अट्रैक्ट होकर उसका ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है उसका जो ग्रुप है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और कौन बंदा नहीं चाहे कि हमारा ग्रुप ग्रो ना करे। अब जो ग्रुप का एडमिन है उसे तो हर तरफ से फायदा ही फायदा हो रहा है, तो वही वो इस चीज़ को क्यों मना करेगा। तो बस आई होप आप लोगों को सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और मैंने भी हर एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया था ताकि आप अच्छे से समझ सको। और लास्ट में मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ और प्लीज़ हैक को मत खरीदा करो। अगर आप लोगों को गेम में कोई भी हैकर मिलता है तो प्लीज़ उसे रिपोर्ट मार दिया करो, शायद पबजी मोबाइल लैट वाले उसे बैन करें या ना करें। अगर मेरी ये वीडियो उन तक पहुँच जाती है तो शायद थोड़ा सा तरस खा के हैकर को बैन कर भी दें। तो बस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आप लोगों की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मुझे पता है वीडियो के स्टार्टिंग में और जब मैंने बोला था तभी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। बट जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, अभी क्या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मैं डेली पबजी मोबाइल लैट से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यू वीडियोज़ लाता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि मैं जैसे वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।